उधर मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है पहाड़ के पास को। मंडे में ना इस टाइप का ट्रैफिक देखने की आदत है नहीं, कि माइंडसेट बना हुआ है ना। अम्मिया काट के लाया है जो कि हमने आड़त में से ली। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी शौर्य और तृष्णा भाई आपस में भिड़े पड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? उसे अपनी कॉपी नहीं मिल रही। तो त्रिषा को अपनी कॉपी नहीं मिल रही, तो त्रिषा का थोड़ा सा मूड खराब हो रखा है। तो थोड़ी देर इनसे बातचीत करेंगे, फिर हमारे नगर भ्रमण का कार्यक्रम होता है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अरे बाप, अरे इतने मोटे आंसू। अच्छा त्रिषा सुनो, इधर देखो। त्रिषा आप ढूंढ लो, सॉरी ढूंढ देना उसकी कॉपी। तो ढूंढ ना, ऐसा तो नहीं मतलब तू उसे रुला रहा फालतू में, बैग में होगी इसकी, लड़ते रहोगे हर वक्त। मेरे सेल्फ में ढूंढ रही है। तो अपने बैग में देखो, मिल जाएगी अभी कॉपी। मिल गई कॉपी अब। हाँ। क्या हो गया बैग पन्ने में, क्या कर रखा है दिखाओ तो। ये किसने करा है शौर्य, तूने ऐसा क्यों करा इसकी कॉपी में पीछे सब? इंक निकल गई थी। चलो अब मिल गई, अब रोना धोना बंद करो, अब जो काम करना है करो अपना। दोनों अब स्कूल का काम कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा जाए, तो मतलब लड़ाई सॉल्व हो गई है। तो चलो हम चलते हैं शहर घूमने। आज घर से कुछ ऐसा नजारा है नैनीताल का, बादल आज भी लगे हुए हैं, रेगुलर ऐसा ही रह रहा है यार। बादल तो आजकल रोज शहर में दिख जा रहे हैं, बट बारिश वारिश दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। हल्का फुल्का ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। अचानक से ना मौसम चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है शायद बारिश पड़ जाएगी, क्योंकि मैं अभी नैना पिक वाला पहाड़ देख रहा था, उधर क्या है पूरे बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की जो है बूंदे, अभी थोड़ी देर पहले कुछ छींटे गिर रही थी। तो देख रहे हैं हम निकले हैं, अगर बारिश पड़ जाती है तो मजा आ जाएगा। लग रहा है ना वेदर कुछ करामात दिखा सकता है। अगर हम गूगल बाबा की माने तो गूगल वेदर के हिसाब से जो आज दिन का टेम्परेचर रहा है ना वो 22 डिग्री के आसपास, और शाम को ये 13 डिग्री के आसपास जा रहा है, और बारिश तो नहीं दिखा रहा है। बट अभी जिस तरीके का वेदर हो रहा है, सब ठीक रहा तो बारिश पड़ जाएगी सामने। तो भाई अभी थोड़ा सा मैं लेक साइड जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा नैना पिक वाला पहाड़। पूरे उधर बादल लगे हुए हैं, और बादल तो पूरे शहर में ही लगे हुए हैं। मतलब वो होता है ना बारिश पड़ने से पहले जो गुम हो जाता है मौसम, एग्जैक्ट अभी वैसा ही हो रखा है। लेक के नज़दीक आ गए हूँ, बट आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर कि बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। मौसम यहाँ का ना अनप्रिडिक्टेबल टाइप है यार, कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइव में होता ना कुछ भी हो सकता है, वैसे यहाँ का मौसम है भाई, कुछ भी हो सकता है। बारिश पड़े ना पड़े कोई संभावना नहीं है। पहले तो आप नैनीताल के दर्शन कर लीजिए। तो दिस इज हाउ द लेक इज लुकिंग टुडे। बहुत मस्त वेदर हो रहा है, मस्त हवा चल रही है। हाँ देखो भाई, प्लेन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और उसी गर्मी से निजात पाने के लिए भाई लोग आ रहे हैं पहाड़ों की ओर। पहाड़ों में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, जो कि अभी से लगने लग गया है। जैसे आज देखा जाए तो ऑफ डे वाला सीन है, लेकिन टाउन में अच्छा खासा क्राउड है। नहीं तो यहाँ पर सैटरडे संडे ज़्यादा क्राउड रहता है ना, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज टाउन में अच्छी खासी भीड़ है। अभी हम फुटपाथ बाज़ार की तरफ को चलेंगे ना, मैं आपको वहाँ दिखाऊँगा कितना ज़्यादा क्राउड है। टेक की तरफ को चलते हैं थोड़ा सा और नज़दीक, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा विजुअल मिल रहा है। कह रहे नैनीताल के किसी कोने पे चले आओ ना, यहाँ पर डेक है इस तरीके के जो बोट स्टैंड के हर कोने में, तो आप लेक के थोड़ा और नज़दीक आ सकते हो और लेक निहार सकते हो अच्छे से। तो यहाँ से तो भाई नैना पिक पहाड़ दिख ही नहीं रहा है, उधर मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है पहाड़ के पास को। यही बादल आगे को आ रहे हैं शहर की तरफ को, और सामने अगर हम तल्ली ताल की तरफ नज़र दौड़ाएं तो वहाँ भी बादल लगे हुए हैं। नहीं तो होता क्या है ना, कभी कभी जो ये वाला है मल्ली ताल एरिया, तो यहाँ पर बारिश हो रही होती है, और जो सामने तल्ली ताल है वहाँ बारिश नहीं हो रही होती है। लेकिन आज पूरे शहर में ही बादल लगे हुए हैं। कहाँ मैं कह रहा हूँ बारिश पड़ेगी, और यहाँ पर अचानक से सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं, और इस वक्त करीब अब तो खैर 4 बजने वाला है, तो आज 4 बजे करीब सूर्य जो है दिखे हैं हमें। तो ये है खैर शहर का हाल। तभी तो यहाँ पर एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि नैनीताल का मौसम और बॉम्बे का फैशन कब बदल जाए कुछ भरोसा नहीं। तो पल पल बदलता शहर का मौसम है। चलो घुसते हैं भीड़ में। ये फुटपाथ बाज़ार है, सबसे ज़्यादा क्राउड नैनीताल अगर बात करें ना इस एरिया में भाई रहता ही है। पता नहीं क्या ही सीन है इस एरिया में, क्यों इतना ज़्यादा क्राउड रहता है। और मजे की बात यह है भाई, यहाँ से दूर तक देखो भीड़ ही भीड़ दिखेगी। ग्रुप्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं, स्कूल के बच्चे सामने ही हैं। अब तो आने वाले दिनों में भाई यहाँ पर ग्रुप्स का भंडार आएगा। ऐसा आता है ना, स्कूल के ग्रुप्स आते हैं बहुत सारे, कॉलेज के ग्रुप्स आते हैं, मतलब बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना अलग अलग, तो वहाँ से भी भाई बहुत 250-300, 300-400 लोगों का ग्रुप आता है। तो शहर में तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्राउड होते जाता है। आज भी मंडे के दिन नैनीताल शहर भाई टूरिस्ट से गुलजार है। नहीं तो होता क्या है ना, मंडे मॉर्निंग तक नैनीताल शहर खाली हो जाता है, फिर फ्राइडे के दिन यहाँ पर दोबारा से जो भीड़ होती है ना वो शुरू होती है।
लेकिन आज ऐसा नहीं दिख रहा। अच्छा खासा क्राउड मंडे में भी है भाई। आ गया मैं ग्राउंड में, यहाँ से एक अच्छा सटीक विजुअल मिलता है ना चारों तरफ, नहीं तो पूरा शहर बड़ा ही कंजेस्टेड कंजेस्टेड सा है, छोटा छोटा सा शहर है हमारा यार। तो एक लौता ग्राउंड है हमारा, यहाँ पर ये सारे गेम्स होते हैं। तो अभी खैर क्रिकेट मैच चल रहा है, तो अभी मेरे ख्याल से ब्रेक है 5-10 मिनट का। नहीं यार खिलाड़ी आने लग गए, चलो बाहर को चलते हैं। रेखा जो बनाई गई है यहाँ पर को, तो 5-1 मिनट के लिए मैं अंदर आ गया था, तो जब तक ये तो शाम तक चलेगा मैच। तो हम चलते हैं मार्केट की तरफ को, थोड़ा आपको खड़ी बाज़ार दिखाता हूँ मैं। पार्किंग वाला जो एरिया है वहाँ से होते हुए निकलते हैं। बाकी हमारे शहर की इकलौती पार्किंग, मतलब बड़ी पार्किंग जो है ये ग्राउंड के बगल में ही है। 118 रुपये करीब पड़ता है इसका रेट। और नैनीताल शहर में क्या है ना, जितने भी होटल्स हैं, मतलब 95% ऐसे होटल हैं जिनके पास पार्किंग स्पेस नहीं है। इस वजह से पार्किंग स्पेस बनाई गई है, ग्राउंड उधर रहा और बगल में ये बड़ी सी पार्किंग है। मतलब आप बेफिक्र होकर अपनी कार यहाँ पर पार्क कर सकते हो। और ऐसा होता है जब ये फुल हो जाती है, इसके बाद भी 3-4 पार्किंग शहर के अंदर और है। आने वाले दिनों में क्या है, जो रूल्स आने वाले हैं अभी तक नहीं आए हैं, अभी कल परसों में लोगों को रोका गया है। तो इसलिए मैं बता दूं, कल परसों में क्या हुआ था, जिन लोगों की होटल की ऑनलाइन बुकिंग नहीं थी उन लोगों को शहर से 4-5 किलोमीटर दूर उनकी कार को रोक दिया गया और फिर वहीं पर कार पार्क करवाई गई, ऐसा सुनने में आया था। तो जब रूल आ जाएगा फिर तो भाई जिनकी होटल की बुकिंग नहीं होगी उनको रोका ही जाएगा और कार बाहर पार्क कराई जाएगी शहर से 5-6 किलोमीटर दूर, और फिर आप शटल सेवा के थ्रू से शहर के अंदर आओगे। मंडे में ना इस तरीके का ट्रैफिक देखने की आदत है नहीं यार। तो ये हमारे भी एक बेसिक माइंडसेट बना हुआ है ना, जैसे शनिवार इतवार आता है तो क्राउड रहेगा, मंडे मॉर्निंग तक शहर खाली हो जाएगा। लेकिन आज तो भाई नहीं दिख रहा है यार, ये एरिया में इतनी ज़्यादा कार्स, या तो मेरे ख्याल से कुछ आगे जैम है उस तरफ को लगा हुआ है तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो होना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा जैम है। ये रही हमारी खड़ी बाज़ार जो कि आगे जाके कनेक्ट कर जाती है हेरिटेज मार्केट को। बड़ी सुंदर सी बाज़ार है, पूरी पारंपरिक शैली में बनी हुई है उत्तराखंड की। तो जब ये शटर डाउन रहता है ना, इस तरीके के सब में पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आप अगर रात को भी आते हो तो बड़ा ही लोग फोटो वोटो खूब खिंचाते हैं, क्योंकि लाइट आइटें जल जाती हैं यहाँ सारे ऊपर जो लगी हुई हैं, इस टाइप के लैम्प सीटिंग स्पेसेस इस टाइप के हैं यहाँ पर। बाकी पेड़ पौधे तो देख ही रहे हो, पूरी बाज़ार ऐसी ही दिखेगी, सिमिलर दिखेंगे सबके ये जो बने हुए ना नाम ऐसे, और आगे सबके जितने भी आगे तक हैं। एक प्लान आगे था कि जो हेरिटेज मार्केट है उसको भी सेम जो ऐसी खड़ी बाज़ार है ना वैसा ही बनाने का था, लेकिन समहाउ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो भी रहा होगा उसके पीछे, अगर वो बाज़ार भी बन जाती हमारी आगे जाके जो कनेक्ट करती है हेरिटेज मार्केट, तो बड़ी सुंदर लगती खड़ी बाज़ार की तरह। शौर्य अमिया काट के लाया है जो कि हमने आड़त में से ली थी। तो और ये क्या चॉपस्टिक से खा रहा है, और मैं कैसे खाऊंगा फिर, ये देखो चॉपस्टिक से कितने आसान से खा रहा है यार तू मज़े से, और मुझसे खाए भी नहीं आता, लग खिला दो। ओ माय गॉड इतना खट्टा यार, और ये आम है तुम्हें पता ही, अमिया पर ये आम है। हाँ तो इसमें मुझे पता है वो लाला मीठा रहा। बाबर इतना खट्टा हो रहा है ना, और इसमें नमक क्या क्या डाला है तूने शौर्य, सिर्फ मिर्ची और नमक, नमक मिर्ची डाल के एकदम चटपटा बना रखा है। पहले इसमें हल्का सा नमक, फिर ऊपर से मिर्चे और खट्टी अमिया। कृष्णा लड़ाई लड़ाई अब तो नहीं हुई फिर भैया के साथ, हो गई तो सॉल्व हो गया था ना मैटर। और पढ़ाई क्या करी फिर, मैथ्स पढ़ाई करी। चलो कृष्णा से कुछ सवाल जवाब करे क्या, 4+4 8 अच्छा 4+4 8 और 10+10 अच्छा और 5+3 5+3 अच्छा कंफ्यूज हो गई है, जल्दी बता दो जल्दी से, 5 और 3 हाँ 5 6 7 8 चलो ठीक हो गया। तो क्या मैथ्स पढ़ रहे हो तुम फिर ऐसे। सो गाइस आज शहर का माहौल कुछ ऐसा था, आपने देख लिया। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा।